students. This is Subchinder, and I'll be teaching you computer system architecture. And today we will start with a topic name is encoder, and subject name is computer system architecture. So let us start. Okay, so subject name is computer system architecture, right? And the topic to be covered is encoder. As we have already discussed decoder in our previous lecture, so today we will start our lecture from encoder. Okay. So ये सारा कुछ हमने पढ़ा है decoder के बारे में. ये सारी वही प्रेजेंटेशन है. आज हम कंटिन्यू करेंगे इनकोडर से. इनकोडर क्या है? इनकोडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है. ये परफॉर्म करता है इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर. ठीक है, डिकोडर की बिल्कुल इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है हमारा इनकोडर. ठीक है, ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग, जो ऑपोजिट प्रोसेस है डिकोडिंग को हम बोलते हैं इनकोडिंग. तो इनकोडर जो है वो कन्वर्ट करता है एक एक्टिव इनपुट सिग्नल को कोडेड आउटपुट सिग्नल. इनकोडर क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है एक्टिव इनपुट सिग्नल को कोडेड आउटपुट सिग्नल में. ठीक है, ब्लॉक डायग्राम जो है इनकोडर का वो हमारे ये इस फिगर पे, जिसे मैंने नाम दिया हुआ है फिगर 10, उसमें आप देख सकते हो. इसमें हमारे पास m इनपुट्स हैं और n आउटपुट्स हैं. ठीक है, तो इनकोडर की m इनपुट लाइंस हैं सिर्फ, जिसमें से ओनली वन ऑफ विच इज एक्टिवेटेड, जिसमें सिर्फ एक ही एक्टिवेट होती है गिवन टाइप पे और प्रोड्यूस करती है n बिट आउटपुट, n बिट आउटपुट कोड. ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑपरेट करता है. उसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें गौर करने वाली चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. इनकोडर्स जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि वो ट्रांसलेट करें रोटरी या फिर लीनियर मोशन जो है इनटू अ डिजिटल सिग्नल. तो जो डिफरेंस बिटवीन डिकोडर और इनकोडर में ये है कि डिकोडर में बाइनरी कोड एज इनपुट लिया जाता है, जबकि इनकोडर में हमारे पास बाइनरी कोड एज आउटपुट आता है. तो इनकोडर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, जैसे कि बीसीडी कोड. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तो हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की इनकोडर्स के बारे में, क्या होते हैं इनकोडर्स. ठीक है, उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं. ठीक है, क्या उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज टाइप्स ऑफ इनकोडर्स. टाइप्स ऑफ इनकोडर्स हमारे पास सबसे पहले तो 4 टाइप्स हैं इनकोडर्स की. पहला टाइप है प्रायोरिटी इनकोडर, सेकेंड टाइप इज डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर, थर्ड टाइप इज ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर, एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर. राइट, यहाँ तक हमारे पास बेसिकली टाइप्स हैं. अब हर एक टाइप को हम डिटेल में समझेंगे. ठीक है, तो इनकोडर, ठीक है, इनकोडर में हमारे पास m जो इनपुट होती है और n जो है वो आउटपुट है. m को हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं. ठीक है, जहां पे m को 2 की पावर n के इक्वल लिख समझा गया है. n क्या है? n आउटपुट है. देख सकते हो आप यहाँ पे कि यहाँ पे 4 हमारे पास इनपुट्स दिए गए हैं, 4 into 2. ठीक है, 4 इनपुट्स एंड
these are two outputs of encoder. ठीक है, so ये हमारे पास दो outputs encoder की आ गई. अब वो as a input decoder के पास गई, तो two input, two और four output. ठीक है, इस तरीके से. अभी वर्क कैसे करता है, देखो. अभी इसमें हमने क्या किया कि हमने वन ऑफ द इनपुट क्या किया कि हमने 1 0 को एक्टिवेट कर दिया, इनपुट सिग्नल हाई कर दिया 1 0. तब क्या होगा, इनकोडर की आउटपुट क्या आएगी, इनकोडर की आउटपुट आएगी 1 0 1 0. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हो डिकोडर की आउटपुट भी 1 0 वाली जो हमारे पास लाइन है, एक उसके एडजेसेंट जो इक्विवेलेंट लाइन है, उसने उस लाइन को पिक किया और वो देखो वो ज्वाइन हो गया, वो हाई आ गया. आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अपने कई लेक्चर्स में आपको इस बारे में बता चुकी हूँ कि हमारा जो 1 0 है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के. कैसे, बाइनरी में. बाइनरी में 1 0 1 जो है, 0 1, वो किस तरीके से है, आप इसकी फर्दर कैलकुलेशन करके बता देते हैं आपको कैसे. बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते थे हम, 0 into 2 की पावर 0 plus 1 into 2 की पावर 1. ठीक है, तो ये सॉरी ये 2 के इक्वल है. ठीक है, ये 2 के इक्वल है. 2 के इक्वल है क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पे है, ये यही 0 पोजीशन है, 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है. तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई हुई 1 के साथ, तो हमारे पास ये 2 के इक्वलेंट आ गया. तो बेसिकली जो हमारे पास A2 है वहाँ पे वो 2 बेसिकली एज इनपुट गई, और 1 और 0 बिट हम 0 बिट जो है वो उसको एज इनपुट गई डिकोडर को, और बाद में 1 0 जो है वो एक्टिवेट हो गई एज हाई. तो ये 2 के इक्विवेलेंट है. आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रायोरिटी इनकोडर की बात करते हैं. जैसे कि नेम इंडिकेट करता है, प्रायोरिटी दी जाती है इनपुट लाइन को. ठीक है, तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट लाइन्स हाई है एक ही वक्त पर, तो वो वाला इनपुट जो 1 है एट द सेम टाइम, इनपुट लाइन जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो कंसिडर होगा. फिर से लाइन रिपीट कर रही हूँ, अगर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट लाइन्स हमारी हाई है, मतलब इक्वल्स टू 1 है एक ही वक्त पर, तब कौन से इनपुट लाइन को कौन सी इनपुट लाइन पिक की जाएगी, वो इनपुट लाइन पिक की जाएगी जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हो. हाईएस्ट प्रायोरिटी मान लो यहाँ पे हम हाईएस्ट प्रायोरिटी कैसे ले रहे हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी D3 की है और लोएस्ट प्रायोरिटी D0 की है. ठीक है, तो प्रायोरिटी इस तरीके से इंक्रीज कर रही है, उसी हिसाब से ट्रुथ टेबल भी ऐसे ही काम कर रहा है. आप देख सकते हो D0 जब हमारे पास 0 0 0 0 कॉम्बिनेशन है, तब ये डोंट केयर Y0 Y1 डोंट केयर के इक्वल है और हमारा आउटपुट सिग्नल 0 है. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास D0 एक्टिव है. D0 जब एक्टिव है यहाँ पे, तब हमारे पास कौन सा आउटपुट कॉम्बिनेशन है, जो 1 है वो किसके इक्वलेंट है, D0 के इक्वलेंट है, और D0 का मतलब जो 0 0 पोजीशन पे है. तो इसलिए आउटपुट क्या आ गई, 0 0, और ये एक्टिव हो गया हाई. उसी तरीके से हमारे पास D1 जब हमारे पास इनपुट जब एक्टिव है, D1 इनपुट एक्टिव है,
अब देख सकते हो D1 की जो प्रायोरिटी है, D1 की जो प्रायोरिटी है वो एज कंपेयर टू D0 वो हाईएस्ट है. तो ये तो डोंट केयर हो गया, तो इसलिए यहाँ पे डोंट केयर आ जाएगा. ठीक है, ये डोंट केयर यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी. तो D1 जो है वो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे D1 की इक्विवेलेंट क्या है, 0-1. 0-1 जो है बेसिकली क्या किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के. तो ये D1 के इक्वल है. तो ये इस तरीके से आउटपुट कॉम्बिनेशन आएगा, ये बिट्स आएंगी का आउटपुट कॉम्बिनेशन पे 0-1 आएंगी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जब D2 हमारा हाई है, 1 है, तब हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन है, D2 किसके इक्विवेलेंट है, D2 जो है वो 1-0 के इक्विवेलेंट है. तो यहाँ पे देख सकते हो 1-0, तो यहाँ पे बिट क्या बनेगी, 1-1 and 0. ठीक है, इस हिसाब से ये बना. और बाकी जो D0 D1 है उनकी लोएस्ट प्रायोरिटी है, D2 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है. तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले वो डोंट केयर बन जाएंगे. तो वहाँ पे जहाँ पे डोंट केयर आता है वहाँ पे हम क्रॉस लगा देते हैं, एक्स या क्रॉस जो भी आप उसको कंसिडर करो. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास D3 जब एक्टिव है, D3 सबसे हाईएस्ट है और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी. D3 मतलब 3 किसके इक्विवेलेंट है, डेसिमल में 3, बाइनरी में 3 डेसिमल जो 3 है वो बाइनरी में 1-1 के इक्विवेलेंट है. ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास हमारा D3 जो है वो एक्टिव होगा, तो 1-1 का कॉम्बिनेशन मिलेगा और ये हमारे पास एक्टिव होगा. तो इस तरीके से ये किस तरीके से आउटपुट आ रही है, कब कब किस किस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट बन रही है वो समझाया हुआ है इसमें. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमने करना है नेक्स्ट उनका लॉजिक डायग्राम भी तो बनाना है ना, Y1 और Y2 के लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे बनेंगे ये ध्यान देना है हमें. तो लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए अब ध्यान देने की बात ये है कि अब आप देख सकते हो कि इनपुट कॉम्बिनेशन कितने 4 है, तो 2 की पावर 4 कितने किसके इक्वल होता है, 16. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16. ठीक है, मैं आपको रिटर्न करके दिखाती हूँ कि कैसे ये होगा. ठीक है, देखो आप, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है, D0 D1 D2 एंड D3. मतलब हमारे पास 4 है टोटली, तो जो हमारे पास के मैप बनेगा वो किसके इक्वल होगा, 2 की पावर 4. 2 की पावर 4 किसके इक्वलेंट होता है, 2 into 2 into 2 into 2, मतलब 2 2 4 2 8 2 16, टोटल 16 सेल्स बनेंगे के मैप में. तो इस तरीके से आपका के मैप बनेगा.
कि ये इसको आपने कंसिडर करना है डी वन डी जीरो डी वन, और इसको हम मान लेते हैं डी टू डी थ्री, ठीक है। के वैप मैंने आपको पहले भी करवाया है, ठीक है, तो आज फिर से करवा देती हूँ। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये जीरो जीरो है, ये जीरो वन है, ये वन वन है, ये वन जीरो रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर जीरो 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 वन 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 जीरो, इसके लिए एक मुझे इस डायग्राम को आपको प्रॉपरली डायग्राम के साथ ट्रुथ टेबल आपके सामने होना बहुत जरूरी है अगर ये समझना आपको, तो फॉर दैट मैं ये इरेज करके फिर आपको करवाती हूँ। ये जो है आउटपुट, ये इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशन, ये चाहे आप नोट कर लो, ठीक है, मैं आपको फिर भी इसको इजी करने के लिए ये जीरो जीरो की इक्वल है, जीरो वन 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 जीरो, ये जीरो 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 वन 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 जीरो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डी जीरो डी वन D टू D थ्री। अब बहुत ध्यान से देखना एक चीज, जो हमारे पास D जीरो D वन D टू D थ्री, ये चारों जीरो 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 का कॉम्बिनेशन है, और उसके लिए हमारे पास Y, हमने सिर्फ Y वन के लिए K मैप बना रहे हैं, Y वन के लिए K मैप बना रहे हैं, तो Y वन के लिए जो ये डोंट केयर है, तो जीरो 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 के लिए हमारे पास डोंट केयर आ जाएगा। हाँ जी मनप्रीत, यू वांट टू से समथिंग? ओके, ये डोंट केयर आ गया। फिर उसके बाद डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री, अब आपको ये ध्यान में देना है कि डी जीरो जो है वो वन है, डी जीरो वन है, यानी कि ये वाला डी, ये वाले यहाँ पे जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है, डी जीरो जो है वो पहली बिट है ना, तो डी जीरो, उसके बाद जीरो वन, नेक्स्ट जो है जीरो वन डी टू डी थ्री जीरो जीरो, तो उसके लिए हमारे पास आउटपुट जीरो है, तो ये जीरो वन है, जीरो वन कैसे, डी वन जीरो है,
डी वन जीरो है और डी जीरो वन है, ठीक है, डी जीरो हमारा वन है, तो उस कॉम्बिनेशन के लिए, और डी टू डी थ्री जीरो जीरो है, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट वाई वन क्या है, जीरो, हम यहाँ पे जीरो डाल देंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, डी वन हमारा वन है, डी वन वन है, तो डी वन कब वन है, यहाँ पे वन है डी वन, ठीक है, और यहाँ पे वन है, तो डी वन जब वन है तब भी हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है, जीरो जीरो का, तो हम यहाँ पे भी जीरो डालेंगे, यहाँ पे भी हम जीरो डालेंगे। फिर उसके बाद ध्यान से देखना आप ये चीजें, डी टू हमारा जब वन है, डी टू जब हमारा वन है तब क्या चीजें किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये डी टू है, मतलब डी टू कब वन है, डी टू पहली बिट है, ये वाली बिट है, और D3 ये वाली बिट है, तो इस लाइन में D2 कब कब वन है, D2 दो कंडीशंस के लिए वन है, इन दो लाइंस के लिए वन है, और इन दो लाइंस के बराबर Y1 किसके इक्वल है, वन के इक्वल, तो यहाँ पे इन दोनों लाइंस पे हमारे पास वन 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 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा D3 है, D3 हमारा वन कब शो कर रहा है, जब D3 वन है, यानी कि ये इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए वन है, तो यहाँ पे तो पहले इस लाइन में तो पहले से ही वन है, अब ये वाली लाइन को वन बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम चार चार की ग्रुपिंग करेंगे, मतलब ये एट एट हो जाएंगे, चार ऊपर चार नीचे इनकी ग्रुपिंग, एक मिनट, ये हमारा ग्रुप वन है, ये हमारा ग्रुप वन है, और ये हमारा ग्रुप टू है, ठीक है। अब ग्रुप वन की इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे आएगी, ग्रुप वन में ये चारों वैल्यूज तो बदल रही हैं, जीरो 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 वन वन जीरो वन 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 जीरो, ये बदल रहा है, पर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट रह रहा है, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पे हमारा एक बार जो है डी थ्री, डी थ्री जो है, एक मिनट, डी टू डी थ्री है, तो एक बार D2 इस लाइन पे हमारा यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, तो ये हमारा ये वाला ग्रुप की वैल्यू क्या हो जाती है, इस वाले ग्रुप की वैल्यू हो जाती है D2, और ये जो नेक्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप की क्या वैल्यू आएगी, देखी जाए तो यहाँ पे D3 एक्टिव है, वन वन मतलब चेंज नहीं हो रहा, पर D2 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे D3 आ जाएगा। अब Y1 का क्या लॉजिक एक्सप्रेशन बनेगा, Y1 इक्वल्स टू D2 प्लस D3। सो दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट Y1, हमारा Y1 हमने कैलकुलेट कर लिया कि D2 प्लस D3 आएगा, कैसे आएगा ये मैंने आपको करके बता दिया, तो नेक्स्ट है वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ इनकोडर, ठीक है।